एक स्टूडेंट सालों साल कड़ी मेहनत करता है अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ट्रेनिंग में, लेकिन क्यों? इसलिए ना कि इतनी मेहनत करके वो इतना अच्छा स्कोर तैयार कर सके, इतनी अच्छी नॉलेज गेन कर सके कि उसे अपनी पसंद की और बहुत अच्छी जॉब मिल सके, ग्रोथ हो, जॉब सिक्योरिटी भी हो और रेपुटेशन भी। एक स्टूडेंट के तौर पर आपका ऐसा चाहना लाजमी ही है, क्योंकि आप सालों साल इसी ड्रीम जॉब के लिए ही तो कड़ी मेहनत किया करते हैं। और आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक है ना, जो फ्यूचर में हाई डिमांड में रहने वाली जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि वो खुद को ऐसी जॉब्स के लिए तैयार कर सके और बेस्ट अपॉर्चुनिटी हासिल कर सके। आपका सोचना बिल्कुल सही है और आपकी इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, जिसमें आज आपको बताएंगे फ्यूचर में हाई डिमांड में रहने वाली टॉप 10 जॉब्स के बारे में। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसी टॉप 10 जॉब्स के बारे में। नंबर 1, मेडिकल प्रोफेशनल्स। इंडिया में हेल्थ केयर इंडस्ट्री हाईएस्ट पेड जॉब्स ऑफर करती है, और जिस तेजी से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ इस इंडस्ट्री ने हाथ मिलाया है, उससे इस इंडस्ट्री का एक्सपेंशन भी हुआ है और फ्यूचर में भी इस इंडस्ट्री में स्कोप बना रहेगा। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता है वो नोबल तो होता ही है, साथ ही रेप्यूटेड और प्रोग्रेसिव भी होता है। डॉक्टर बनने के लिए MCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से MBBS की डिग्री लेनी होती है, जिसके बाद MD या MS भी किया जा सकता है। इंडिया में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की एवरेज सैलरी अराउंड 10 लाख पर एनम है, जिनमें से 25% से भी ज्यादा मेडिकल प्रोफेशनल्स का एनुअल पैकेज 20 लाख पर एनम होता है। नंबर 2, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है, जिसका यूज आज बहुत सी इंडस्ट्रीज जैसे IT, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन में होने लगा है। और इंडिया में मशीन लर्निंग तेजी से अपनी पकड़ बना रही है, जो कि फ्यूचर में हाईएस्ट पेड जॉब्स में शामिल हो जाएगी। इसका स्कोप इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में नजर आ रहा है, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मशीन लर्निंग एक्सपर्ट बनने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस में से किसी सब्जेक्ट में BE या BTech करना होगा, और इसके बाद सेम फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट डिग्री लेने से आपको इस इंडस्ट्री में हाईएस्ट वैल्यू और सैलरी पैकेज भी ऑफर होगा। मशीन लर्निंग एक्सपर्ट यानी इंजीनियर की एवरेज एनुअल सैलरी 6,91,000 रुपए है, जो एक्सपीरियंस के साथ तेजी से बढ़ती है। नंबर 3 है डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंस भले ही एक नया एरिया है, लेकिन इसमें मिलने वाली करियर ग्रोथ काफी अच्छी है, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। डेटा साइंटिस्ट कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स और एनालिटिक्स में स्ट्रांग फाउंडेशन रखते हैं। एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए BE या BTech करना जरूरी है, जिसके बाद मास्टर्स डिग्री भी ली जा सकती है। डेटा साइंस फील्ड में सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स को 4-12 लाख पर एनम सैलरी ऑफर होती है, और 5 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले डेटा साइंटिस्ट को ऑफर होने वाली सैलरी 60-70 लाख पर एनम तक भी जा सकती है। नंबर 4, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। इंडियन इंडस्ट्रीज में तेजी से होने वाले एक्सपेंशन ने प्रोडक्ट डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट को भी काफी आगे लाकर खड़ा कर दिया है, और आने वाले सालों में इंडिया में प्रोडक्ट मैनेजर्स की डिमांड जस्ट डबल होने वाली है। ऐसे में आप इस जॉब के बारे में भी सोच सकते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल के लिए बेसिक एजुकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या रिलेटेड फील्ड जैसे इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और सीनियर लेवल प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल्स के लिए एडवांस्ड एजुकेशनल डिग्रीज की जरूरत होगी। इंडिया में इस फील्ड में फ्रेशर्स को 7-8 लाख पर एनम सैलरी ऑफर होती है, जबकि एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स को 17-26 लाख पर एनम की सैलरी पैकेज ऑफर होते हैं। नंबर 5, ब्लॉकचेन डेवलपर। ब्लॉकचेन एक न्यू रिवोल्यूशनरी फील्ड है, जो करेंसी ट्रांजैक्शंस, इंटरनेट कनेक्टिविटी, डेटा सिक्योरिटी जैसे एस्पेक्ट्स को फिर से एक नया रूप दे रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग भी कर रही है। लेकिन इस फील्ड में स्पेशलिस्ट की कमी है, जिसका बेनिफिट आपको मिल सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन डेवलपर्स की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। एक ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BE या BTech करना होगा, और कंपनी ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देती है जिन्हें जावा, जावास्क्रिप्ट, C#, C++ और पाइथन जैसी पॉपुलर लैंग्वेजेस में कुछ सालों का कोडिंग एक्सपीरियंस भी हो। इंडिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में मिलने वाली एवरेज सैलरी 8 लाख पर एनम होती है। नंबर 6, मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इंडिया में मैनेजमेंट कंसल्टिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ भी काफी अच्छी है, और एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट का प्राइमरी रोल कंपनीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में और ग्रोथ मैक्सिमाइज करने में हेल्प करना होता है। एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनने के लिए आपके पास बिजनेस रिलेटेड फील्ड्स में बैचलर या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और इस फील्ड में फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन रखने वाले कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाती है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट को मिलने वाली एवरेज सैलरी 11 लाख पर एनम होती है, जिसमें एंट्री लेवल पर ये सैलरी पैकेज 6-7 लाख का होता है, और कुछ सालों के इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बाद 8-11 लाख पर एनम तक पहुंच जाता है। नंबर 7, फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर। जिस तेजी से इंडिया की IT इंडस्ट्री और IT इंडस्ट्री यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उस हिसाब से तकरीबन 3 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं।
इसका मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और फुल स्टैक डेवलपर्स की डिमांड काफी तेजी से बढ़ने वाली है। फुल स्टैक डेवलपर का काम सॉफ्टवेयर और वेबसाइट के फ्रंट एंड और बैक एंड को क्रिएट करना होता है, यानी वो एक वेब डेवलपर भी होते हैं और उन्हें डेटाबेस सिस्टम्स की अच्छी खासी नॉलेज भी होती है। फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपके पास कम से कम कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीई या बीटेक की डिग्री तो होनी ही चाहिए और जावा, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, रूबी जैसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्ट्रॉन्ग कमांड होना भी जरूरी है। फुल स्टैक डेवलपर को एंट्री लेवल पर मिलने वाली सैलरी 3,75,000 पर एनम होती है और 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस होने पर ये अमाउंट 5.5 लाख पर एनम तक पहुंच जाता है। नंबर 8, मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग हर बिजनेस का इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है और डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने मार्केटिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ को और भी ज्यादा तेज कर दिया है और फिर जल्दी जल्दी शुरू होती न्यू कंपनीज को मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट भी होने लगी है, इसीलिए इस फील्ड में भी आपको अच्छा खासा स्कोप मिल जाएगा। मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए आपके पास मार्केटिंग मैनेजमेंट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर डिग्री तो होनी ही चाहिए और अगर आपके पास मास्टर्स या MBA जैसी एडवांस डिग्री हो तो आपको प्रेफरेंस मिलना तय है। मार्केटिंग मैनेजर को मिलने वाली एवरेज सैलरी 7 लाख पर एनम होती है, जिसमें एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स को 4 से 6 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज ऑफर होता है, जबकि एक्सपीरियंस के बाद ये पैकेज 10 से 12 लाख पर एनम हो जाता है। नंबर 9 पर है इन्वेस्टमेंट बैंकर। इंडिया में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस नेटवर्क एक्सपैंड हो रहा है, इसलिए अभी इंडिया के बेस्ट जॉब्स में इन्वेस्टमेंट बैंकर का नाम भी जुड़ गया है। इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए आपके पास फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या रिलेटेड सब्जेक्ट्स में बैचलर डिग्री तो होनी ही चाहिए और अगर आप मास्टर्स डिग्री भी ले लेंगे तो इसका बेनिफिट आपको जरूर होगा। एक फ्रेशर इन्वेस्टमेंट बैंकर का सैलरी पैकेज 10 से 12 लाख पर एनम का होता है और एक्सपीरियंस के साथ ये पैकेज 30 लाख पर एनम तक भी पहुंच सकता है। नंबर 10 पर है चार्टर्ड अकाउंटेंट। जिस तरह हर साल इंडिया में टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ रही है, उस वजह से हर साल सीए की डिमांड भी बढ़ने लगी है। सीए को स्मॉल कंपनीज भी हायर करती हैं और लार्ज कॉर्पोरेशंस भी। सीए बनने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से क्लास 12th पास करने के बाद सीए फाउंडेशन कोर्स, सीए इंटरमीडिएट कोर्स और सीए फाइनल कोर्स क्लियर करने होंगे और अगर आप बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद सीए बनने का प्लान बनाएं तो आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट लेवल में एंट्री ले पाएंगे। इस प्रोसेस में 3 साल की आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप भी शामिल होगी और सारे लेवल्स क्लियर करने के बाद आप सर्टिफाइड सीए बन जाएंगे। एक सीए को मिलने वाली शुरुआती सैलरी 6 से 7 लाख पर एनम हो सकती है और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के साथ ये पैकेज 30 लाख पर एनम तक भी पहुंच सकता है। तो दोस्तों, इस तरह आपके पास इंडिया के ऐसे टॉप 10 जॉब्स की जानकारी आ गई है जो फ्यूचर में हाई डिमांड में रहने वाली है। इनमें से कोई भी कोर्सेज एपी एडुका लर्निंग सेंटर से कर सकते। एडुका लर्निंग सेंटर इंडिया का एकमात्र एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जिनमें सिर्फ 10% फी पे कर आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकती है। बाकी का फीस आपकी जॉब लेन के बाद एमई मोड पे हाई आपको देना होगा। इन सब में सबसे जरूरी बात है वो ये कि फीस के बचे हुए 90% आपको सिर्फ तभी देना है जब आपकी जॉब लग जाएगी।